बॉल में दो विकेट। अब दो विकेट चाहिए हमको 40 रन के अंदर, देखो भाई क्या होता है। Hey guys, welcome back to my channel. So guys, आज हम क्या खेल रहे हैं तुमको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, और हम वो खेल रहे हैं जो हमारे चैनल पे भी तुमको सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है, मोर देन एनीथिंग अदर सिनेरियो मोड, जिसपे काफी बढ़िया सपोर्ट भी मिल रहा है। सो अभी हम खेल रहे हैं लॉर्ड्स टेस्ट, संडे को सिनेरियो आता है तो संडे आ गया है। लॉर्ड्स टेस्ट याद है ना क्या हुआ था, बहुत ताजा टेस्ट है भाई, याद होना चाहिए। आई टर्म्ड दैट मैच एज मैच ऑफ द डिकेड, अब तुम लोग को लगा कि नहीं वो बता सकते हो तुमको कैसा लगा। आई वॉज प्रीटी मच एक्साइटेड कि कुछ हो सकता है, और सही में कुछ हुआ, इंडिया जीत गई। एंड लास्ट में तो जो चिल्लाया था मैं भाई बता ही नहीं सकता, वो एंडरसन का विकेट सिराज, ओ हो मजा ही आ गया था भाई। तो दिखा देता हूँ इसमें क्या करना है। इसमें लास्ट के 65 ओवर्स बचे, 271 के आसपास, 272 का टारगेट था। रियल में इंडिया ने आउट कर दिया था, बट मुझे नहीं लगता मैं गेम में कर पाऊंगा। सो आई विल ट्राई टू रिक्रिएट लॉर्ड्स टेस्ट इन क्रिकेट 19, जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मेरे को नहीं लगता मेरी डिफिकल्टी मुझे मिलने वाली 65 ओवर्स में 10 विकेट। तुमने स्ट्रीम से देखा, अगर मिल जाती है तो पता नहीं, क्योंकि लॉर्ड्स है स्विंग भी होगी, डे 5 की पिच है वैसे तो। 65 ऑड ओवर्स बची है, 63 जो होगी पता नहीं, गेम में मैंने 65 रखी है, अब देखते हैं, थोड़ी एक दो ओवर कम ही होती है। तो डायरेक्ट चलते हैं मैच में, फिर शुरू करते हैं भाई। तो भाई आ चुके हैं अपन गेम में। अगर तुम लोग को ये सिनेरियो चाहिए, पूरी वीडियो देखो अच्छा लगता है बता देना, तो मैं अपलोड कर दूंगा। मैंने एग्जैक्ट रन रखे हैं फर्स्ट तीनों इनिंग्स के, मतलब टोटल टीम के। और मोहम्मद सिराज, ये कौन सा सिराज है भाई, चेंज हो गया, अच्छा मैंने शायद नहीं पता नहीं भाई, मालूम नहीं। डे 5 फर्स्ट बॉल सिराज डालेंगे, फील्ड लगा लेते हैं उसके बाद। तो चलो गाइस, दिस इज माय फील्ड, आई एम गोइंग प्रीटी मच मोर एग्रेसिव देन नीडेड। बट हाँ, ओ भाई पहली बॉल पे ड्राइव मारता हूँ, और एक बार डिफिकल्टी दिखा दूँ भाई मैं शुरू करने से पहले। एंड डिफिकल्टी देख लो भाई ये क्या है, अपनी मोर देन आर्टिस्ट लेजेंड नहीं कर पाऊंगा इसमें, मैं कर लिया तो फिर तुम बोलना ना, तो देख लो डिफिकल्टी पहले ही। एंड एज ऑलवेज 2000 लाइक्स के गोल अभी करते नहीं हूँ भाई, लाइक वाइक कर दिया करो एटलीस्ट, फिर देखो मौज करो, अभी कर दो अभी के अभी, लाइक नहीं किया जिसने, और एक एक शेयर कर दो, लाइक करवाया करो, 2000 लाइक का गोल है प्लीज़ करते हैं भाई। ओ भाई सवा किलो स्विंग हुई, आउट स्विंग। एंड जो वीडियो का बेस्ट पार्ट लगता है वो कमेंट भी कर देना, 300 कमेंट्स का भी गोल होता है अपने यहाँ। और एज लगी इनसाइड एज, और पहला चौका इंग्लैंड का, क्या लसन, मतलब मजा आ गया चौका। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब इफ यू आर एंजॉइंग, बेल आइकन के साथ प्लीज। नोटिफिकेशन का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है वैसे, और स्ट्रीम्स में भी आओ, अबाउट सेक्शन में पूरा शेड्यूल मिल जाएगा भाई। क्या ही सीम हुई, अंदर हो जाती तो खत्म था। शॉट भाई ड्रिवन, एंड इट्स अ बाउंड्री आई थिंक, यस सेकंड बाउंड्री, बहुत बढ़िया भाई आउट। अरे थोड़ी बाहर की तरफ जिसीम हो रही थी, लेकिन अभी तक तो रियल में 4 ओवर में विकेट मिल चुकी थी, 2 क्या करते हो, क्या सेट हुआ भाई, कितनी ज्यादा स्विंग हुई, ये फुल लेंथ पे हो जाती तो बोल्ड हो जाएगा भाई, डर नहीं लगता ये ड्राइव मारने में, चौका बहुत बढ़िया शॉट, कैच आउट है क्या, अबे कैसे पहले बैट पे लगी फिर पैड पे लगी, यॉर्कर थी चाहे, मतलब फुल टॉस थी तो पहले बैट पे लग के फिर पैड पे लगी, अबे बैट पे लगी नहीं क्या भाई, गजब रिव्यू भी वेस्ट, चलो समझ गए, रियलिस्टिक गेम में बढ़िया नॉट आउट, कुछ भी नहीं था रिव्यू ऑफ द, नहीं दिखाऊंगा ही नहीं है मैं, ओ कट कर दूंगा ओ। वाह भाई हाथ में से मिसफील्ड हो रही है ये मिड विकेट, एक और चौका आउट भाई, ये तो क्लोज है, या एम्पायर्स कॉल होगा या मिसिंग होगा, क्या लग रहा है, कोई नहीं रिव्यू तो अपने फिर पता ही है ना, एक ही बचा है ले लेते हैं। अरे भाई इतना अंदर तो नहीं लगी थी यार, कुछ भी गोलीबाजी मिसिंग, एटलीस्ट एम्पायर्स कॉल था भाई, दोनों रिव्यू खत्म, अब आएगा रोना, मेरे को नहीं लगता मैं कर पाऊंगा, तुमको क्या लग रहा है अभी बता दो, कर सकते हैं तो यस नहीं तो नो। वाह पहला सेशन खत्म हुआ है, क्या बात है क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, अभी मतलब 60 ओवर और हैं, मतलब चलो सेकंड कौन सा सेकंड लास्ट सेशन, हाँ लंच हुआ ना अभी, हाँ सेकंड लास्ट सेशन शुरू, अभी 8 ओवर, मतलब 68 ओवर्स अराउंड 66-68 के बीच में ओवर्स होंगे डे खत्म होने पे। सिराज स्टार्टिंग ऑफ द सेकंड सेशन भाई, विकेट चाहिए निकाल लो यार, ड्राइव ही करे जा रहे हैं तो भाई, भाई क्या ही बीट किया, बहुत बढ़िया भाई, फिर से बीट विकेट क्यों नहीं, अरे एक और बीट आउट, इंपैक्ट बाहर है वरना स्टंप पे जा रही थी भाई, किस्मत ही खराब है आउट, अबे यार इस बार ज्यादा अंदर जा रही थी, क्या हो रहा है ये, अरे बेटे फिर से इंपैक्ट बाहर भाई, प्लम था वो, नोबल बुमराह थिंग्स, ये देखो जो प्लम था वो नोबल, और वापस इंपैक्ट बार,
भाई इवेंट फुल ओवर, पांच बार आउट किया है और एक जो आउट था वो नो बॉल। अरे बोल, अरे अच्छा बोल नहीं, ओके एलबीए की बात आउट है भाई, ज्यादा कॉस्टली नहीं पड़ी वो बुमराह की नो बॉल, लेकिन मैंने बुमराह को हटा दिया था अटैक से क्योंकि स्टेमिना की वजह से नो बॉल डल रही थी। और यहाँ पे ले ली शम्मी ने विकेट, शम्मी चौड़ आते ही विकेट भाई, सेट बैट्समैन डॉम्स विल आउट 23 रन्स ऑफ 44 बॉल्स भाई। हमें पहली बॉल में बीट, मैं अप ले लेता हूँ कीपर स्लिप। अरे यॉर्कर बैच, वाह बेटे वाह, ओ बोल्ड नहीं हो जाता यार। हाँ ठीक है, क्या हुआ बोल दिया मतलब जा रहा है, क्या देख रहे हो अभी तक, चौका है भाई, नेक्स्ट बॉल भाई खत्म करो। वाह बैट पैड होता है, छोड़ो भाई इतनी स्लिप लगाने का फायदा तो होगा, और शम्मी तो ओपी है, फिर आते ही नेक्स्ट ओवर में भी विकेट खतरनाक, हसीब हमीद आउट, क्या ही एज निकलवाई और सीधा रोहित शर्मा का बहुत बढ़िया कैच, हसीब हमीद 8 रन 10 बॉल जल्दी, मतलब जो बोल्ड किया था ना सिराज ने उससे तो तब भी बढ़िया था। ओ ठीक है आउट, गोइंग डाउन, वैसे रिव्यू तो है नहीं, बढ़िया रिव्यू लिए थे ना पहले। ओ भाई मेरे को लगा छक्का मार देगा, ये क्या है, दे आर गोइंग फॉर द चेस, कोई नहीं है, दैट्स गुड फॉर मी आउट। अरे यार रिव्यू होता है, प्लम नहीं था क्या ये प्लम, अच्छा बेटे ये तो वही टट्टी रिव्यू जो नहीं था। ओ भाई इतनी सू कभी ज्यादा होती कभी कम, अपनी मर्जी भाई। अरे भाई रूट का विकेट मिल जाए तो मजा आएगा ना। वाह फ्री के चौके देना इनसे सीखो भाई, क्या ही बीट किया और क्या ही चौका खाया उसके बाद, बहुत बढ़िया एकदम बढ़िया सेट हुआ है, गया चौका। ओ भाई जड्डू भाई को पहला ओवर दिया, मैंने सोचा चलो ट्राई कर दे ग्रीन ब्रिज है तो क्या हो गया, और रूट जड्डू भाई के सामने फंस गए भाई, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर में फंसते हैं क्या, मतलब तुम बताओ ऐसा कोई स्टैटिस्टिक्स है क्या, अभी तक तो बहुत अच्छा खेल रहे थे और अचानक से भाई डिफेंस पे विकेट और रूट की विकेट मेन दी, अब कुछ हो सकता है 69 की स्ट्राइक रेट पे आउट है, बढ़िया। अरे भाई एज कैसे लगती है, वाई माय फ्रेंड वाई, एक और चौका है एज का, ये तो भाई फील्ड कुछ रख के मैंने कुछ ही बॉल डाल दी। हाँ ठीक है कोई भाग भी नहीं रहा बॉल पकड़ने, बोलते हैं फायदा क्या, चौका ये दोनों भरत मिलाप करके जाएंगे, वो इधर से उधर गया उससे मिलने, तुम ये सब छोड़ो, वो देखो वो भाग रहे थे बॉल पकड़ने, फिर देखा चौका जा रहा है, बोले नहीं तब भी ट्राई करना पड़ेगा, इससे बात की और दोनों साथ में भाग रहे फिर। अरे ये क्या चल रहा है, ये फ्री रन्स क्या भाई, हारना सोच के आयो क्या, वाह पैसा भाई और 50-100 की स्ट्राइक, जिंदगी में खेली कभी ऐसी नहीं, फर्स्ट क्लास में ना बनाए होंगे भाई, बोल्ड हो जाए यार भाई, शॉर्ट बॉल डाल रहे हैं उसमें क्या मार रहा है, चौका स्ट्रेट ड्राइव ठीक है, मैंने फील्ड भी लगाई शॉर्ट बॉल की, कैच, अरे फील्डर कैच, परफेक्ट गैप निकालेगा भाई, क्या ही चौका मारा है, मतलब मुंह तोड़ चौका भाई, अब कौन लेगा विकेट पता नहीं चल रहा है, तो हम शॉर्ट बॉलिंग का ट्रैप लगा के बॉलिंग कर रहा है। अरे सर पे बाउंसर टारगेट कर रहा हूँ और खसक के बैकफुट कट मार भाई, क्या लस क्या भाई यार, भाई शब्द नहीं है बिल्कुल भी नहीं है, आज कीपर चाय लाऊं, बहुत मार खा ली भाई बाउंस ट्रैप पे, अब नॉर्मल आ जा स्विंग पे, विकेट बच गए बीट। अरे बीट कितना होगा भाई, आउट हो जाना यार रोरी, 73 ऑफ 69 बॉल्स भाई, छक्का ही मार दिया लसन ने, अच्छा वन बाउंस चौका, उसके बाद एक और चौका भाई, T10 नहीं चल रहा है, 30 ओवर में 160 मार दिए, उनको 1000 मारा था तब सुधरे नहीं अभी भी, बेटे फुल टॉस ही डाल दिया और चौका भी खा लिया कैच, अरे बेटे चौका लस बेटे, अब तो जड्डू भाई को भी मार पड़ रही, खत्म
173 तो चेज हो जाएंगे अब 99 चेज 30 ओवर बची आ रहा हूँ भाई जिस टाइम मैं सोचता हूँ खत्म उस टाइम कुछ ना कुछ होता है रोरी बंस जो बहुत ही खतरनाक लग रहे थे उनकी विकेट चड्डू जॉड कर देंगे भाई अगर ये होता है कंप्लीट तो वाह क्या ही स्वीप मार रहे थे टॉप एज और कैच 86 जिंदगी में इतनी स्ट्राइक रेट ना खेले ना खेलोगे एज अरे डिफेंस एज पता नहीं क्या लसन हर कुछ हो जाता है भाई मैंने प्लेयर लगाया उसके एग्जैक्ट अपोजिट कैसे खेलता हर बार वाह भाई कैसी तो गैप पे निकालते हैं और चौका क्या रोहित डायमंड नाम शर्मा की जरूरत है अरे भाई ये किस तरह के शॉट्स हैं जरा मुझे बताओ यार कोई रन आउट अपॉर्चुनिटी प्लीज भाई डायरेक्ट हिट ही मार दिया क्या अभी कुछ बचा है क्या वो पांच विकेट आ गई है फाइव ब्रिंग्स ऑल आउट वन ब्रिंग्स टू टू ब्रिंग्स थ्री थ्री ब्रिंग्स फाइव फाइव ब्रिंग्स ऑल आउट ऐसा एक बार हमने स्ट्रीम पे किया था बेस्ट आउट 36 पे 36 यस याद रखो 36 आउट पहले बैट लगा वाह सेशन खत्म लास्ट सेशन है हमको चाहिए पांच विकेट और इस सेशन में हमने पांच विकेट रन बहुत खाए ये इनकी वजह देखो चलो भाई लास्ट सेशन की शुरुआत पे पहली बॉल डालेंगे रोहित डायमंड नाम शर्मा भाई करना पड़ेगा अब आउट करने के लिए कैच भाई कैच आउट यार कुछ ना है ये देखो भाई एक तो मैंने टॉप स्पिन डाल दी ना अंदर जा रही होती तो आउट होता वैसे अंपायर कॉल ही होता ना इंपैक्ट तो एक ही जगह होता आउट भाई अब कल कैच अबे मोस्ट यूनिक विकेट मिल गई क्या एक और रोहित डायमंड नाम शर्मा विकेट ना ले ऐसे कैसे हो सकता भाई दिखाता हूँ रिप्ले बटलर आउट 6 रन पे ये देखो मस्त एकदम यॉर्कर डाली एज लगी पैड पे लगी और सीधा पुजारा का स्लिप पे बढ़िया कैच कैच अबे चौका कैच किस बात का चौका है तो सैम करन चेन्नई यार आईपीएल व्हाट इज दिस कैच 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 वन बाउंस पकड़ आउट अबे एज लग जाती बाकी तो गोइंग डाउन है ये देखो भाई बॉल की शक्ल एक साइड से मोइन टकल टकल मतलब बहुत खतरनाक बॉल हो गई है तो क्या शाइन है क्या रिवर्स स्विंग होगी yes. भाई और कर पे कैसे एच का चौका जा सकता है नहीं खेलना ही नहीं मेरे को yep. ये देखो ये देखो 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 वैसे ही 125 रन बचे हैं ना जैसे ये 125 किलो है दे दो फ्री के रन ठीक है मैं हाँ अभी बैठो सर कोई दिक्कत नहीं आराम से भाई बीट किया विकेट मिलेगी पास एज भाई फंस गई जेब में रख के घर चल जाओ एक तो नो बॉल पे नो बॉल 125 किलो नो बॉल डाल चुके हैं भाई जस्ट लाइक रियल आउट भाई सब स्विंग तो कुछ ना और थी रिवर्स क्या लसन स्विंग भी नहीं और थी जड्डू जॉड आया और आते एक और विकेट हटाने ही नहीं चाहिए लग रहा है भाई अब तो क्योंकि 30-40 रन कितने चाहिए 232 40 रन चाहिए हमको 3 विकेट भाई साहब बहुत खतरनाक मैच होगा और विकेट 3 बॉल में 2 विकेट अब 2 विकेट चाहिए हमको 40 रन के अंदर देखो भाई क्या होता है भाई क्या ही विकेट निकाली है मजा ही आ गया पहले मोइन ने लिया आउट अब रॉबिन्सन आउट डक पे कैच ओ भाई स्विंग तो हो नहीं रही मैंने सोचा बाउंस ट्रैप परफेक्ट लगाया था लेकिन विकेट ना मिल पाई Yes. एज लगी अबे सिंगल नहीं देना था भाई कैच 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 सैम करन का विकेट मिल जाएगा और जड्डू सर का फाइवर और कर लिया कैच भाई साहब एक विकेट चाहिए अब और 31 रन्स धक धक इंक्रीजिंग सैम करन आउट 33 और 42 अब तो एंडरसन है क्या सिराज को लाया जाए बोल्ड किया जाए दो बॉल में ही खत्म जड्डू भाई ने LBW कर दिया सो वी क्रिएटेड हिस्ट्री एट लॉर्ड्स जो रियल में हुआ हमने फिर से कर दिखाया क्रिकेट 19 में भी प्लम है ले लो रिव्यू मैं लेके देता हूँ भाई हारी हुई सिचुएशन से यहाँ लाया हूँ मैं 169 पे 3 विकेट थी वहाँ पे खत्म था ठीक है 178 पे 3 थी इनफैक्ट अभी देखते हैं भाई ये आउट है ना सही में क्योंकि मुझे तो लगा कोई दिक्कत है ही नहीं सीधा प्लम है ये
मैं सिराज को लेकर ऐसे LBW कोशिश करता जो रियल में किया था, लेकिन जड्डू भाई बोलते हम 6 ले लेंगे, 5 नहीं 6 विकेट्स भाई साहब, 6 पर ओ ठीक है, मतलब कुछ भी आउट है ना ये, मुझे तो प्लम लग रहा भाई। लेट्स गो भाई, हमने 50 ओवर ऑल आउट कर दिया, अराउंड 15 ओवर और बची थी रियल में, आई थिंक 62 ओवर्स के अराउंड था, यहाँ पे 66-67 ओवर्स के अराउंड था, हमने 49.4 है शायद उसमें ही खत्म कर दिया। और एज इंडिया विन द मैच अगेंस्ट इंग्लैंड टू सक्सेसफुली कंप्लीट दिस सिनेरियो, एंड क्या लॉर्ड्स का घमंड, ओह ठीक है लॉर्ड्स पे क्या ही मैच जीता है जड्डू भाई, मैन ऑफ द मैच लास्ट इनिंग्स में 6 विकेट भाई साहब, रियल में बॉलिंग नहीं दी थी क्योंकि बहुत अच्छी स्विंग हो रही थी, पेसर्स ने विकेट ले ली थी, अपने गेम में क्या हुआ स्टार्टिंग में स्विंग हो रही थी, शम्मी ने 2 विकेट निकाली, उसके बाद स्पिनर लाने ही पड़े क्योंकि स्विंग खत्म हो गई थी एक टाइप से, और जड्डू भाई ने मतलब हमारा चैलेंज क्या था ट्राई करना कि हम कर सकते हैं कि नहीं इनको 60 ओवर्स के अंदर ऑल आउट और 272 डिफेंड कर सकते हैं कि नहीं, लास्ट इनिंग हमने कर दिया 50 ओवर के अंदर 30 रन से इंडिया जीत गई। तो गाइज मजा आया तो लाइक अभी तक नहीं किया तो कर देना, और अगर तुमको ये सिनेरियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर दो यस वी वांट दिस सिनेरियो, ऐसे पूरा लिख दो तो आई विल अपलोड इट, और बाकी फिर तुम भी खेलो मौज करो, बताओ तुम लोग कितना ओवर में करा और डिफिकल्टी हार्डेस्ट या उससे ज़्यादा पे करते हो मेरे पे, वापस से वीडियो पे आके पूरी वीडियो देखो और कमेंट कर दो नीचे कि हमने इतने में कर दिया, करके दिखाया अपलोड करूँ उसके बाद की बात है वो, तो बता देना अगर चाहिए तो मैं कर दूंगा अपलोड। सो बाय 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 बाय, मजा आया बहुत ही ज़्यादा, लाइक कर देना, मिलते हैं फिर कल स्ट्रीम में।